हिसार के अनाज मंडी में धान की आवक का इंतजार है। इस बार मंडी प्रशासन के सामने किसानों को सुविधाएं देने के अलावा नई स्कीम लागू हुई ई ट्रेडिंग प्रणाली को सही तरीके से लागू करने की भी चुनौती है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन धान की कम पैदावार वाले हिसार जिले की अनाज मंडियों को धान का इंतजार है। हालांकि जिले में सबसे ज्यादा हांसी की अनाज मंडी में धान आती है, इसलिए यहां पर किसानों को आधारभूत सुविधाएं देने से लेकर धान के उठान तक के लिए अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आए हैं गवर्नमेंट परचेज के, वो 1 अक्टूबर से आए हैं, और उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो भी प्रिपरेशन होनी है, मेनली हमारा रहता है मंडी के अंदर लाइट पानी और सफाई का, वो अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा कर दिए गए हैं पूरे। हिसार जिले में हांसी के बाद नारनौंद अनाज मंडी में भी धान की अच्छी आवक होती है, लेकिन मंडी के हालात यहां आने वाले किसानों को निराश कर सकते हैं। पानी की टंकी है लेकिन इसमें पानी नहीं आता। हालत आप देख सकते हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। नहीं, आप पूरी की पूरी मंडी का नजारा अगर देखेंगे तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था आपको नजर नहीं आएगी। फॉर्मेलिटी के तौर पर कई पानी की टंकियां यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन किसी भी पानी की टंकी में पानी नहीं आता। अगर टॉयलेट और बाथरूम की बात की जाए तो किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, अभी तक तो मंडी के अंदर जो नारायण मंडी में कूड़े का ढेर लगे हुए हैं, सभी जगह गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई का ध्यान नहीं इसके अंदर। लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल तक। अच्छा, 4 अगस्त से सेक्टर नहीं है कोई भी। बीच में यानी 3 सितंबर को आई सेक्टर 15 दिन का चार्ज दिया गया था, उसके बाद यानी 17 तारीख को रिलीव हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक कोई सेक्टर नहीं आया है। इसके अलावा मंडी में आधारभूत सुविधाओं से ज्यादा इस बार मार्केट कमेटी के सामने ई ट्रेडिंग को लागू करने की चुनौती है। हिसार सर्किल की 10 मंडियां अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, इसलिए अब की बार धान ऑनलाइन बिकेगा। हालांकि प्रशासन इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है। तो जो कमेटी है कि एज जो सेक्रेटरी जो है वहां पर बिजली का है, पानी का, सफाई का, वो व्यवस्था उनकी पूरी है, और जो सुविधाएं उन्होंने देनी है वहां पर, जैसे किसान आ रहे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, सफाई के विषय ध्यान है, वो उन्होंने कर रखा है। अब नई चीज ये वाली ई मंडी सिस्टम, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं उनको और उनको यूज भी करा रहे हैं। अभी मंडी में हमारे यहाँ एक सचिव महोदय की ट्रांसफर हो गई थी, उनके बाद कोई सचिव आए नहीं है। 15 दिन के लिए टेम्परेरी आए थे, वो भी चले गए। अच्छा। अभी तो यहाँ व्यवस्था देखने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है मौके पे। यहाँ पे सीजनल मंडी में होने के कारण कोई सफाई नहीं है, अभी यहाँ कोई परमानेंट कर्मचारी या चौकीदार भी अवेलेबल नहीं है। आपको बता दें कि इस बार हिसार जिले की सभी मंडियों में करीब 10 लाख क्विंटल धान आने की संभावना है। जिले में सिर्फ हिसार और आदमपुर मंडी में धान नहीं लाई जाती, बाकी मंडियों में पिछले साल 9.25 लाख क्विंटल धान की आवक हुई थी। इस बार 2.5 से 3 लाख क्विंटल अकेले हांसी अनाज मंडी में धान आनी है। ई ट्रेडिंग के तहत धान की जल्द से जल्द बिकवाली हो, इसके लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी, और इसके लिए टेक्निकल सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। तो दोहरी चुनौती से किस तरीके से प्रशासन पार पाता है, ये देखने वाली बात होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। हिसार से कैमरामैन प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया।